आशा सक्सेना। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बीन बैग्स, और ये बीन बैग्स के वीडियो हमने पहले भी पोस्ट किए हुए हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम प्रॉपर वे में बताएंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि किस तरह से हमको एक छोटे छोटे स्ट्रोक में बीन बैग्स को करके अपने हार्ड हेयर को रिमूव करना है। और ये इस वैक्स के जरिए हम अंडर रूट्स से भी हेयर रिमूव हो जाएंगे, और हमारी जो सेंसिटिव स्किन फेस की होती है या फिर अपर लिप की होती है या फिर चिन की होती है, तो इस वैक्स से बहुत ही आसानी से सारे हेयर रिमूव हो जाते हैं, कोई हेयर टूटते नहीं है करते समय। क्यों? कि ये वैक्स बीन वैक्स फ्लेक्सिबल है, जिससे कि लचीलेपन होने के कारण बहुत ही आसानी से एक बार में हेयर रिमूव हो जाते हैं। बीन वैक्स आपने जैसा कि नाम देखा, पहले भी हमने वीडियो पोस्ट किया उसमें देखा होगा कि ये दाने के रूप में होता है, कई कलर होते हैं इसमें, 12 कलर हैं, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, काम करने का तरीका और रिजल्ट सेम है। तो हमने यहाँ देखिए ये क्रीम कलर में बीन बैग्स को लिया है, और इसको बैग सीटर में पिघलाने के बाद में फिर हम करके बताएंगे किस तरह से करना चाहिए। बीन बैग्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एक तो हेयर बहुत देर से आते हैं, दूसरा सारे हेयर जड़ से निकल जाते हैं, और फ्लेक्सिबल होने के कारण इससे पेन लेस ये बीन बैग्स है। तो आप बिल्कुल यूज करिए, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखकर पूरा स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो जरूर वॉच करिए, जिससे कि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें ना तो स्टिफ की जरूरत होती है और ना ही इसमें पानी लगता है। तो हम प्रॉपर वे में एक आफ्टर एंड बिफोर वाला जो लोशन है वो अप्लाई करेंगे, और फिर हम वैक्स करके बताएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए बताते हैं आपको बीन वैक्स के रिजल्ट और करने का तरीका प्रॉपर वे में। हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हम ये बीन बैग्स पैरों पर करके बताएंगे कि किस तरह से बीन बैग्स हमको करनी चाहिए। तो पैर पर प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, तो प्रैक्टिस के लिए हम पैरों पर ही अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के रूप में दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम ट्री लोशन है ये सारा का, इससे हम कॉटन में लेकर इससे स्किन को साफ किया, और साफ करने के बाद में ये क्रीम बेस में बीन बैग्स है जो हमने वैक्स हीटर में डाली हुई है, और अब उसको गर्म होने के बाद में देखिए इसकी पोजीशन इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हो गई, और दाने के रूप में जो थी वो लिक्विड फॉर्म में हमको दिखाई दे रही है। हमने यहाँ वैक्स को थोड़ा ही लिया है, क्योंकि हाइजीनिक का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए, और हम केवल इतना ही वैक्स गर्म करते हैं जितना हमको ज़रूरत है। ये देखिए, इस तरह से हम ये बुटन का नाइफ है, इससे हम अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह से लेयर देखिए आप, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम पैरों पर लगाएंगे, या जिस पोर्शन पर भी हम करेंगे इस तरह से हम अप्लाई करेंगे वैक्स को। वैक्स बहुत तेज़ गर्म भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना हो, जो आसानी से सहन हो सके। ये देखिए, इस तरह से हमने ये लगाया, और इस वैक्स की थोड़ी सी थिक लेयर हम लेंगे, जिससे कि हटाने में आसानी रहे। और मेरे जो क्लाइंट हैं, इनके हेयर काफ़ी लॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, थोड़े हार्ड भी हैं, तो इसलिए हम इस तरह से सफाई के साथ में वैक्स को अप्लाई किया। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि मोटी लेयर हमने ली है, और जिस पोर्शन पर भी करना है इसी के अकॉर्डिंग हम लेयर के साथ में वैक्स अप्लाई करेंगे। और अब हम देखिए 2 सेकंड के लिए हम देखेंगे कि ये वैक्स हमारा स्किन से सेट हो गया, और मतलब थोड़ा सा सूख गया, जो हाथों पर नहीं लग रहा है इसका मतलब वैक्स सूख गया। ये देखिए, इस तरह से हम हाथ से छूकर देखेंगे, और अगर हाथों पर नहीं लग रहा है, बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, तब फिर हम सबसे पहले कॉर्नर हटाने का काम करेंगे। थोड़ा सा स्किन से कॉर्नर को हटाएंगे तो इजीली ये वैक्स हट जाएगा। और एक हाथ से देखिए हम स्किन को स्ट्रेच कर रहे हैं, और कॉर्नर धीरे धीरे हटाएंगे, क्योंकि हेयर लॉन्ग है तो पेन भी होगा। ये वैक्स वैसे पेनलेस वैक्स है और काफ़ी अच्छा है, और
फ्लेक्सिबल होने के कारण, काफ़ी लचीलापन होने के कारण इजीली ये हेयर को रिमूव करता है। यदि इस तरह से हमने एक झटके से हटाया और आपके सामने सारे हेयर, जो लॉन्ग हेयर दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, इस तरह से एक ही बार में सारे हेयर रिमूव हो गए। तो फ्रेंड्स, विश्वास है आपको ये बीन बैग्स बिल्कुल पसंद आया होगा। और करने का तरीका हमने जो बताया, इसी तरह से हम किसी भी अनवांटेड हेयर को रिमूव करेंगे तो इसी तरह से वैक्स को अप्लाई करके फिर हम करेंगे। ये देखिए, सेपरेट पोर्शन पर भी हम ये वैक्स करेंगे तो काफ़ी ठीक रहता है, स्किन के लिए पेनलेस भी है। और ये हम आफ्टर लोशन सारा का जो है वो लगा रहे हैं कॉटन में लेकर। थोड़ा सा यहाँ पानी का कोई काम नहीं है, पानी इस वैक्स में यूज़ नहीं होता है। हमने पहले भी दिखाया आपको, और ये अब आफ्टर जो लोशन है उससे हमने स्किन को नीट किया है। और बहुत ही एक झटके में सारे हेयर रिमूव, विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा।